कि नहीं इस देश की राजभाषा या राष्ट्रभाषा सरकार ने दोनों पर दोनों बात की है, हिंदी ही होगी आप निश्चित रहें और देवनागरी ही लिपि होगी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से राजभाषा है। गांधी जी का विकास वो पहले आवाज गुजरात से और स्वामी दयानंद का, तो मुझे सबसे पहले तो दिलजी की शिकायत यह रहती है, मुझे क्षमा करना कि हम जब इतने हिंदी के कार्यक्रम और ये करते हैं, हम इन चार पांच लोगों के वो हिंदी भाषी हैं। टंडन जी खुद करें काम तो लोग, मैं उसको बहुत बड़ी बात है हिंदी भाषी रविंद्र को छोटी मोटी काम है, हम किसी पहचान हिंदी भाषी है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम लोग ये करते हैं। जब हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं इन चार महापुरुष जो हिंदी जिस रूप में आज देश में विस्तृत है, हम लोगों को हिंदी कार्यक्रमों में करना चाहते हैं। चलिए अब 60-70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और मैंने बोला कि 80-90% हो सकता है ज़्यादा भी इसको समझते होंगे और हर लोगों में एक ऐसी स्थिति रही है। मैंने बहुत जा करके साउथ में देखा जो बिल्कुल ठीक अपनी भाषा वाले हैं लेकिन कभी कभी उनके यहाँ कभी उनका भजन आपको मिलेगा, ये है स्थिति। तुलसीदास जी का मिलेगा, मीरा जी का मिलेगा। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हाँ ये जरूर है कि भाई मान्यता संविधान में नहीं हमारा राष्ट्रभाषा। अब इसका क्या करना है, करना यह है कि प्रतिष्ठित हो और जो समय परिस्थितियों की मांग है उसके अनुसार प्रतिष्ठित होते होते ये कुछ उन स्तरों पर पहुंचे जो वांछित है, जिसका इशारा करते हैं।